नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस वक्त ठीक हम जम्मू तवी पुल पे मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे की तस्वीरें, तो यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है और वजह यह है कि काफ़ी देर से तमाम महकमा PHE के डेली वेजर्स यहाँ पर तवी पुल को बंद करके बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। लेकिन इस बीच पूरे तरीके से यहाँ पर तवी पुल जो है बंद है और जिससे आम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार यहाँ पर रोड को खुलवाने की कोशिश कर रही है और काफ़ी सारी एम्बुलेंसेस भी जो है वो इस यहाँ पर जो है वो पुल पर फंसी हुई है। आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस भी यहाँ पर जो है वो इस पुल को बंद होने की वजह से यहाँ पर एम्बुलेंस भी एक यहाँ पर फंसी हुई है। लाइव तस्वीरें इस वक्त की ठीक तभी पुल से है। यहाँ पर आज PHE डेली वेजेस यहाँ पर स्ट्राइक पर हैं और इस बीच आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर फंसी हुई है और पेशेंट को यहाँ से ले जाया जा रहा है, लेकिन रोड बंद होने की वजह से काफ़ी मुश्किलें जो है एम्बुलेंस को निकालने में यहाँ पर जो हो पेश आ रही है। पूरे आप देखेंगे तो पूरे तरीके से ये तभी पुल जम्मू का पूरे तरीके से यहाँ पर बंद है और जिससे लोगों का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर पुल को पूरे तरीके से यहाँ पर बंद किया गया है और एम्बुलेंस में पेशेंटों को यहाँ पर ले जाया जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और देख सकते हैं कि स्ट्राइक यहाँ पर अभी भी लगातार जारी है और इस तरह का जाम यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जाम लगा हुआ है। लोगों का गर्मी में जो है यहाँ पर बुरा हाल हो चुका है और आप लोगों को यही कहेंगे कि अगर आप तभी पुल वाले रास्ते से आ रहे हैं तो आप रास्ता अपना बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे तरीके से तभी पुल बंद है और आम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। हालांकि एक एम्बुलेंस यहाँ पर काफ़ी देर से फंसी हुई थी और जिसे फिलहाल अब यहाँ पर निकाल दिया गया है, लेकिन पुलिस लगातार यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही है, रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रही है, पर गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है इन लोगों में और जिससे यहाँ पर ये लोग यहाँ पर पुल पर जो है तभी पुल पर बैठ चुके हैं और इस प्रोटेस्ट को ये लोग अब तक जो है वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। गाड़ियों की बात करें तो कई सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर फंसी हुई हैं। पुलिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पुलिस यहाँ पर, पुलिस का काफिला यहाँ पर मौजूद है और दूर दूर तक यहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र पहुँच रही है, वहाँ तक आपको इसी तरह का जाम यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा होगा। और वजह यह है कि महकमा PHE के तमाम डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें रेगुलेशन की बात करें तो काफ़ी लंबे वक्त से ये अपनी मांगों को मनवाने की अपील कर रहे थे, लेकिन अब तक कहीं भी कोई उम्मीद की किरण खिलती हुई नज़र जो है वो नहीं आ रही है। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त की जम्मू परिवर्तन ठीक आपको जम्मू तवी पुल से दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर, किस तरह के हालात इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं वो आप तस्वीरों में जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं और आम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देर से, लगभग 1-1.5 घंटे से इस तरह से जो है वो रोड यहाँ पर बंद है और जिससे देख सकते हैं कि पुलिस लगातार यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही है, हर तरह की कोशिश की जा रही है कि जिससे इस प्रोटेस्ट को रोका जा सके, लेकिन गुस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इन लोगों में और देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए। तमाम PHE के डेली वेजर जिस वक्त तभी पुल पर बैठे हुए और तभी पुल को लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पर जो हो ब्लॉक किया गया है, जिससे लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हैं और दूर दूर तक किस तरह का जाम यहाँ पर लगा हुआ है, जिससे खासकर एम्बुलेंसेस की बात करें, कोई प्राइवेट गाड़ी में किसी पेशेंट को चेक करवाने के लिए ले जाना पड़ता है तो वो भी कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट की वजह से उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो यहाँ पर पड़ रहा है।
लाइव तस्वीरों में इस वक्त जम्मू परिवर्तन जो आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त की ठीक है तभी पुल से दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे के दूर दूर तक यहाँ पर हमारे कैमरे की नज़र पहुँच रही है, वहाँ पर इस तरह का जाम यहाँ पर लगा हुआ है और ये लोग तमाम इस वक्त ये PHE के डेली वेजर से जो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुल को पूरे तरीके से यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। लेकिन अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का मुलाजिम ना ही इन लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचा है और ना ही कोई इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं कि जिससे तभी पुल को खुलवाया जा सके और जिससे लोगों को भी जो दरपेश आ रही परेशानियों से भी उन्हें जो है राहत मिल सके। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे, डेढ़ घंटे से यहाँ पर बैठे कोई बात करने आया? कोई बात करने नहीं आया, बस मानना ही मानना सच है, 25 साल से ऐसे ही हैं हम। क्या यही अच्छे दिन थे मोदी सरकार तो अच्छे दिन की बात है? कोई हमारे बच्चे मर रहे हैं भूखे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को बाप को खत्म करो, यही है जय हिंद जय भारत। तो देख सकते हैं कि मोदी सरकार यहाँ पर बड़े बड़े दावे जो है वो दिल्ली से करती है लेकिन आज जम्मू के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि वो तमाम दावे जो है वो केवल दिल्ली सरकार की चारदीवारी तक ही जो है महदूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, डेढ़ घंटे से इस पुल पर बैठे हैं लेकिन कोई भी अभी तक सुध लेने नहीं आया? हम क्या कहना चाहेंगे, मैं आपको अपनी बात सही बताना चाहता हूँ, मेरे जैसे हजारों की तादाद में मेरी 60 साल उम्र जो है मैं कल जा रहा हूँ, मैं 60 साल पूरे करके जा रहा हूँ, 27 साल प्लस मेरे दिन हो गए हैं जहाँ पर नौकरी करते हुए इस डिपार्टमेंट में। इस प्रशासन की तरफ से पिछले साल 11 नवंबर 2020 को गवर्नर साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, उन्होंने कहा था कि हमें DDC के चुनाव हैं, चुनाव करने के बाद 1 महीने के बाद आपके जो जनरल डिमांडे हैं, आपकी रेगुलर पॉलिसी है, आपकी मैनिंग बेसिस एक्ट है, आपकी जो पेंडिंग बेसिस पड़ी है वो हम आपके जल्द से जल्द कर देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज 19 महीने के बाद हमने 22 तारीख को बैठे थे जहाँ आज 7-8-9 दिन हो गए हैं जहाँ पर बैठे हुए और आज हमारा जो प्रोटेस्ट है जहाँ पर चल रहा है, हमारी एक ही आवाज़ है कि जब तक हमारे मसले का जो जनरल डिमांडे ये नहीं मानी गई, हमारी पूरी ये नहीं हुई, तो मैं 60 साल करके कल जा रहा हूँ। मुझे इस ऐसा ही शौक है कि मैं इससे अच्छा होता कि LG साहब और ये गवर्नमेंट ये प्रशासन जो है हमें गोली मार देती, फांसी चढ़ा देती, या तो हमारे परिवार को, हमारी तीन पीढ़ियाँ जो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। ये कहते थे कि मोदी गवर्नमेंट जब आएगी तो हम जो जब हमारी सेंटर में गवर्नमेंट होगी, स्टेट में होगी, सेंटर में भी यही बैठे हैं और स्टेट में भी यही चोर बैठे हुए हैं। और 2014 के बाद मिनिमम बेसिस एक्ट जो झूठी हुई, झूठी के बाद जो इन्होंने कहा था मिनिमम बेसिस एक्ट देंगे वो भी नहीं दिया, और 2014 के बाद 70 महीने की हमारी पेंडिंग बेसिस पड़ी है सिर्फ और सिर्फ जो 2014 के बाद किया है, जो मोदी गवर्नमेंट के टाइम किया है, और जो हमें परमानेंट इन्होंने करना था 7 साल का एक पीरियड था, आज 7 साल क्या, मुझे 27 साल हो गए हैं, 60 साल मेरी उम्र हो गई है, कल मैं क्या लेकर अपने बच्चों को दिखाऊंगा। इससे अच्छा है कि मुझे मरकर ही जाना चाहिए जहाँ से, जब तक हमारे मसले का कोई हल नहीं होता तब तक हम जहाँ से नहीं हिलने वाले। शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है और बिल्कुल ये बात सच भी है कि काफ़ी सारे ऐसे डेली वेजर्स हैं जो डिपार्टमेंट में अपने जने की पूरी उम्र जो है वो डिपार्टमेंट को दे दी और वो डेली वेजर ही लगे थे और डेली वेजर्स के बतौर तौर पर ही उन्हें जो है वो रिटायर जो है वो कर दिया गया था। बड़े अफसोस की बात है कि डेली वेजर्स ही उन्हें जब लगे थे स्टार्टिंग में तो डेली वेजर्स के बतौर तौर पर ही उन्हें लगाया गया था, लेकिन इसके बाद डेली वेजर्स रहते ही जो है उन्हें रिटायर जो है वो कर दिया गया है। और किस तरह का ये एक मजाक जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खेला जा रहा है, सरकारें चाहे कांग्रेस हो या फिर BJP हो या PDP हो, हालात वैसे के वैसे रहेंगे, सब सियासत के लोग जो है वो अपनी सिर्फ रोटियां ही सेकेंगे। कहाँ गए आज वो 56 इंच का सीना, कहाँ है आज वो 56 इंच का सीना, कहाँ है वो जम्मू के बड़े बड़े चेहरे जो कहते हैं कि हम बैठे हैं जहाँ आपके मसले हल होंगे, लेकिन वो वादे केवल उनके दफ्तरों तक ही महदूद रहते हैं और कोई भी आज जम्मू के लोगों की सुध लेने वाला जो है वो नहीं है। जम्मू परिवर्तन लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा है कि यहाँ पर तमाम डेली वेजर्स इस वक्त अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई भी इन लोगों की सुध लगातार SG गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जो की जा रही है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मजाक अगर हुआ है तो जम्मू कश्मीर में शायद ही डेली वेजर्स के साथ एक बड़ा मजाक होगा। जितेंद्र सिंह मुर्दाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो। सर क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से कई सारी पार्टियां आई गई, कई सरकारें आई गई, सिवाय झूठे वादों के कुछ भी हाथ में नहीं लगा अब तक। मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि सुबह से हमारे साथ है, हमारा समर्थन में है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया का। मीडिया के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ये चेतावनी देना चाहता हूँ
कि हमने 25 साल से आपके आगे यही फरियाद की कि हमारा बकाया वेतन दो, हमें रेगुलर पॉलिसी दो, हमारा बकाया वेतन दो, रेगुलर पॉलिसी दो। लेकिन इस झूठी गवर्नमेंट ने हमें टाइम 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 बस यही देती रही गवर्नमेंट, इसलिए अब हमारे पास टाइम नहीं है। हम गवर्नमेंट को कोई टाइम नहीं देंगे, हम ग्राउंड में आके जो फैसला होगा वो डिसीजन लेंगे। ये हमारा डेलीबेजरों का ये एक आखिरी संघर्ष है और एक फैसला है, जो कुछ होगा ग्राउंड में होगा, ओपन और सामने होगा। मोदी ने तो लाइए रखी जम्मू कश्मीर में, अगर किसी के साथ मजाक हुआ है तो वो शायद डेलीवेजर्स होंगे, क्योंकि डेलीवेजर्स को हर किसी ने सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया है, चाहे उसमें हमारे बीजेपी के जम्मू कश्मीर से चीफ रविंदर रैना जी हों या फिर बाकी एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें, सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा डालना हो, जीरा डालना के बराबर जैसा काम किया है, या फिर ऐसा लॉलीपॉप दे दिया है कि जहां तो फिर ये लोग किसी के आगे अपनी बात तक नहीं रख पाए। अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं और जम्मू में अपनी स्पीच के दौरान ये कहते हैं कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया है जनाब, लेकिन अगर मिनिमम वेजेस को एक्ट लागू किया गया है तो फिर ये लोग सड़कों पर क्यों हैं? क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर आप झूठ कह रहे हैं? ये इसका जवाब कहीं ना कहीं देना होगा। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी लंबी लंबी जाम की कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, काफ़ी सारे डेलीवेजर्स ऐसे यहाँ पर हालत में पहुँचे हैं, शायद जो डेलीवेजर्स के बतौर तौर पर ही लगे थे और अब शायद वो डेलीवेजर्स रहते रहते ही जो है वो रिटायर भी हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? रविशंकर जी। रवि जी, के गल हुई, के वजह क्यों क्यों आज इतने बैठे थे पुला पर? मरे पुला बैठे रहे, गवर्नमेंट ने झूठे लारे दी सानू, मीडिया साहब जी झूठे लारे दी सानू गवर्नमेंट, आदे सभी सभी साल हो जाता कान स्यापा करते, कोई हक नहीं दे रही गवर्नमेंट, रेगर पॉलिसी नहीं दे रही, सिटी 400 दे उन 70 महीने का बकाया दे उन, मैं चली जन्नी घरे घरे चली जन्ने, सानू अज जवाब देन, अज चली जन्ने घरे, सारा जिते मेरी ड्यूटी नहीं उतने कोल चाली बलती है सर, कला डेली वेजर, कला डेली वेजर ड्यूटी करा दा, डेली वेजर कला ड्यूटी करता है, दिन रात ड्यूटी मी करना सर, मेरे कन्नै कोई बात नहीं पुछना है सर, मैं लत टुटी मीडिया साहब जी, मेरे एडे प्रेजेंट मेरे 500-500 रुपया दिता, मेरे मुड़े दिता 500-500 रुपया, मेरे अस्पताल पजाया, मेरा निक्की भरजाई निक्की भरा आप निका ही निका नहीं होंगे, मैं मीडिया साहब जी मी कोई खाता फुलके, अज मेरा एक बच्चा है वह भी सीधा है, मेरी जनानी है वह भी सीधी है, कौन कौन खिलाएगा रोटी? मीडिया साहब जी मेरी गल मोदी आखदा बेटी पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ, असें दिन आई गए गरीबे तेरे भुखे मरा रे, मोदी तू तू उसे दिल्ली बैठ, ओ मोदी क्या करना मेरे कन्ने, ओ मोदी साहब, ओ मोदी साहब। तो देख सकते हैं कि हालत कैसी, इनको पता क्या, इनको साइड ले जाओ कहीं बिठाओ, इनको छाया में बिठाओ सर, इन्हें छाया में, मीडिया साहब जी आप साइड पे बैठो, आप साइड पे बैठो, साइड इन्हें उधर छाया बिठाई उड़ो, छाया बिठाई उड़ो, देख सकते हैं कि किस तरह की हालात यहाँ पर बने हुए हैं और डेली वेजर्स का क्या हाल यहाँ पर बना हुआ है, और तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि अभी भी इस तरह के लंबे लंबे जाम की कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं कि जिससे आम लोग जो कहीं किसी काम के लिए निकले थे, ज़रूरी काम के लिए, कोई हॉस्पिटल के लिए था तो कोई किसी सरकारी दफ्तर में ज़रूरी काम के लिए निकला था, वो तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर परेशान हाल हैं। लेकिन क्या कहें, ये गूंगी बहरी सरकार किसी की भी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है और जिसकी वजह से आज महकमा पीएचई के डेली वेजर्स तो परेशान है ही हैं, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर 1.5-2 घंटे होने पे आए हैं और अब तक यहाँ पर तवी पुल पूरे तरीके से बंद है और यहाँ पर तमाम ये लोग यहाँ पर किसी ज़रूरी काम के लिए यहाँ से निकल रहे थे, कोई हॉस्पिटल के लिए या किसी सरकारी दफ्तर में कुछ काम के लिए, वो तमाम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल यहाँ पर है। इस तरह की तस्वीरें अगर मेरे साथ ही आपको दिखाएंगे, अभिषेक जी पीछे तक की तस्वीरें दिखाइएगा कि फ्लाईओवर पर भी जो है वो इस तरह का लंबे लंबे जाम की कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और जिससे आम लोगों का भी यहाँ पर बुरा हाल जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर इन लोगों से बात करने के लिए जो है वो नहीं आया है। हमारी एलजी साहब से यही अपील रहेगी कि
जल्द से जल्द कुछ इस तरह के इकदाम उठाए जाएं और कुछ इस तरह के कदम उठाए जाएं ताकि तमाम डेली वेजर जो इस वक्त परेशान हाल हैं उनके साथ इंसाफ हो सके और उन्हें इस तरह से जो है वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर जो है वो ना होना पड़े। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।